सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुँचाए। सही बुखारी की एक और हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्ला वो ईमान वाला नहीं। अर्ज़ किया गया, कौन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया, वो जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। सही बुखारी की एक और हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के बारे में बार बार इस तरह वसीयत करते रहे कि मुझे शक उतरने लगा कि कहीं पड़ोसी को विरासत में शरीक न ठहरा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने पड़ोसी को अपनी दीवार में खूंटी गाड़ने से न रोके। एक साहबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा गुनाह अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ हालांकि उसने तुमको पैदा किया है। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अपनी औलाद को इस खौफ से मार डालो कि वो तुम्हारी रोज़ी में शरीक होगी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद कौन सा गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करो।